3,75,000 में दोस्तों आपको मिल जाती है स्विफ्ट डिजायर VDI। फर्स्ट ओनर है। कोई भी खर्चा? कोई खर्च नहीं करना है, इसको बस ले जाना है और चलाना है। मात्र 48,000 में दोस्तों आप कार ले जाइए। एसी है इसमें? एसी है दोस्तों। वर्किंग कंडीशन में? सब पूरा वर्किंग कंडीशन है। तो 30,000 का सोनी का LED लगा हुआ है दोस्तों, जिसमें ऑडियो वीडियो बैक कैमरा भी मिल जाएगा। बैक कैमरा भी मतलब फुली लोडेड मिल जाएगा दोस्तों। और क्या चाहिए? 2,10,000 में दोस्तों ऑल्टो 800 LXI ले जाइए। ये 2016 मॉडल की है। और सबसे बड़ी चीज इस गाड़ी में, ये मात्र जो है कि हम 40,000 में दे देंगे। AC है, पावर स्टेरिंग है। वो दिखा रहा हूँ मोबिलियो होंडा की। ये जो कार है ना दोस्तों, 7-सीटर कार है। इसमें ना कहीं स्क्रेच है ना डेंट है और वेल कंडीशन है। 3,80,000 में दोस्तों ले जाइए। आपको गाड़ी का कंडीशन देख के लग रहा हो कि इसमें आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये मात्र जो है 26,000 किलोमीटर चली हुई है। 2,55,000 में दोस्तों ले जाइए बिना खर्च वाली क्विड। 62,000 में दोस्तों ऑल्टो मिल जाएगी आपको। इसको आप लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि इसमें आपकी जान को एकदम 100% सुरक्षा है। इसमें एयरबैग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा? इसमें एयरबैग है, AC है, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो सब वर्जन है। और दूसरी बात, ये डीजल वर्जन है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 26 का एवरेज देता है। 26 का माइलेज देती है? 26 का एवरेज देता है, ये मेरा टेस्टेड है। और मात्र आपको 2,00,000 में मिल रही है। मैग्ना है, 2018 मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है। और ये डॉक्टर यूज कार है। डॉक्टर की कार है? फर्स्ट ओनर कार है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पेट्रोल वर्जन है। और कोई गाड़ी में खर्च नहीं, कोई गाड़ी में खर्च नहीं है। न्यू मॉडल है। 2,60,000 में दोस्तों न्यू मॉडल की सेंटो चमचमाती हुई ले जाइए। 8,70,000 में दोस्तों आपको ये मिल जाती है डस्टर। 1 रुपए का भी खर्च? कोई खर्च नहीं है। तो दोस्तों सिंह सर्विस एंड मोटर में मैंने आपको बाइक दिखाया है सस्ते में, जहाँ पे बाइक का स्टार्टिंग प्राइस थी 22,000। और हमारे वीडियो दिखाएंगे तो प्राइस भी निगोशिएबल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कार। ये देखिए व्हाइट कलर की डिजायर, स्विफ्ट डिजायर है, VDI है, डीजल वर्जन में है, 2014 मॉडल की गाड़ी है। और वेल मेंटेन कार है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मारुति सेगमेंट की जो कार होती हैं वो ज़्यादा लोग चॉइस करते हैं, और ख़ासकर डिज़ायर। और रीसेल भी काफ़ी अच्छा है, और रीसेल वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है। हालांकि यहाँ पे जो है कि हमारे पास आउटलेट हमारा है, तो यहाँ पे एक ही गाड़ी स्टॉक में खड़ी है। और हमारे यार्ड में जो है कि और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस गाड़ी का डिस्क्रिप्शन मैं देना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो है कि ओनली 62,000 चली हुई है, डीजल वर्जन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और वाइट कलर तो सभी का चॉइसेबल कलर होता है। और ये गाड़ी का प्राइस ओनली 375 में मैं दे दूंगा। तो 3,75,000 में दोस्तों आपको मिल जाती है। कोई भी खर्चा? कोई खर्च नहीं करना है, इसको बस ले जाना है और चलाना है। डीजल डालेंगे चलेगी बस, बिल्कुल। तो आइए दोस्तों अब आपको नेक्स्ट कार दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं राजू सर के यार्ड में, और यहाँ पे देखिए कारों का कलेक्शन काफी कमाल का है। मैं इसीलिए बार बार आपको कहते रहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका भाई काफी मेहनत करता है और आपको सस्ती कारों की अच्छी अच्छी वीडियो ला के देता है। तो सर सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को हाय कह दीजिए, जो हम भूल गए थे। हेलो। तो ये जो नैनो आप देख रहे हैं दोस्तों, नैनो CX है, टाटा की नैनो, काफ़ी बिकी थी लेकिन दुर्भाग्यवश बंद हो गई। ये एक्चुअली जब ये कार लॉन्च हुई थी तो आपको शायद याद होगा कि इस कार के लिए काफ़ी वेटिंग चल रही थी, क्योंकि सबसे कम बजट में ये कार लॉन्च हुई थी। हालांकि अगर इस गाड़ी को अगर आप ड्राइव करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है मेरे हिसाब से, जितने कम बजट में ये गाड़ी है। और ख़ासकर ये गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग किया गया था लेडीज़ के लिए, जो शॉपिंग वगैरह या मार्केटिंग करने के लिए जाती हैं, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ में यूज़ करने लगे लोग। हालांकि बाद में इसका थोड़ा रीसेल डाउन हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी ये गाड़ी की मजबूती टाटा का तो बात ही अलग है। और बुलेट से कम मेंटेनेंस है इसका। हाँ, और ये गाड़ी जो है बाइक की ही कीमत में हम आपको देंगे। ये 2014 पेट्रोल वर्जन है। ये गाड़ी की कीमत मात्र 48,000 है। तो मात्र 48,000 में दोस्तों आप कार ले जाइए। AC है? AC है इसमें। AC है दोस्तों। वर्किंग कंडीशन में? सब पूरा वर्किंग कंडीशन है। मेरे पास एक ही गाड़ी है जो वर्किंग नहीं है, जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। बाकी सारी गाड़ियाँ जो मतलब है 48,000 में मिल जाएगी, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं? 1 रुपये का खर्च नहीं, वो तो देखने की चीज़ है। क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा अनबैलेंस इधर उधर लगी हुई है, यार्ड है, कस्टमर आते रहते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, तो जिस हिसाब से आते हैं फिर लग जाती है। तो अब हम लोग आगे बढ़े। हाँ। तो यहाँ पे दोस्तों 48,000 में आपको कार मिल जाएगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रेड कलर की ऑल्टो 800 LXI। कम बजट में सबसे ज़्यादा चॉइस करने वाली जो कार होती है वो मारुति की ऑल्टो होती है।
तो ये कार जो है 2016 मॉडल की कार है, ये ऑल्टो 800 एलएक्सआई है। ये कार जो है मात्र हम 2,10,000 में दे देंगे। ये 2016 मॉडल की है और सबसे बड़ी चीज़ इस गाड़ी में मैंने जो ऑनर जिनसे मैंने परचेज़ किया था वो बहुत शौकीन मिजाज के थे। इस गाड़ी में 30,000 का सोनी का LED लगा हुआ है जिसमें वीडियो और ऑडियो आपको चलेगा और उसका आप सुविधा ले सकते हैं। 30,000 का सोनी का LED लगा हुआ है दोस्तों, जिसमें ऑडियो वीडियो बैक कैमरा भी मिल जाएगा। बैक कैमरा भी मतलब फुली लोडेड मिल जाएगा दोस्तों। और क्या चाहिए? और कितने किलोमीटर चली है ये? 62,000 चली हुई है और टायर का कंडीशन भी आप देख सकते हैं 70% अभी जिंदा है। 70% टायर मिल जाएगी। फर्स्ट ओनर? नहीं, ये थर्ड ओनर है। ये थर्ड ओनर है दोस्तों, लेकिन कार जो है काफ़ी मेंटेनेंस में है। तो आइए देखिए, डील को करेक्ट कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेगनार। तो ये जो वेगनार है दोस्तों VXI मॉडल है और लग रहा है ये कब की है। ये गाड़ी एक्चुअली 2004 की है और यही गाड़ी मैंने बताया था कि हमारे पास रनिंग कंडीशन में नहीं है क्योंकि इसका टैक्स फेल हो चुका है और टैक्स फेल होने के बाद जो है कि मैंने इसको रेनुअल नहीं कराया है। ये एक्चुअली कार अभी तक इसलिए पड़ी हुई है कि जो लर्नर होते हैं, जो स्टार्टिंग पीरियड में जो सीखने के लिए कुछ कस्टमर हमसे गाड़ी डिमांड करते हैं तो उनके लिए ये गाड़ी है। ये वो अगर रेनुअल करा लेते हैं तो 5 ईयर्स के लिए उनका और वैलिडिटी बढ़ जाता है। हालांकि ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और अभी टैक्स इसका फेल हो चुका है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, सिर्फ घर ऑफिस वगैरह जाना है तो टेंशन नहीं है। नहीं, ऑफिस के लिए तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक वो रेनुअल नहीं कराते हैं। ये मतलब ड्राइविंग जो सीखने के पर्पस से लेना चाहते हैं, जो कार सीखना चाहते हैं उनके लिए मस्त ऑप्शन रहेगा। जी बिल्कुल। कितने में मिल जाएगी ये? मात्र जो है कि हम 40,000 में दे देंगे। तो मात्र 40,000 में मिल जाएगी। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसमें? इसमें आपका AC है, पावर स्टेयरिंग है, पावर आपका इसमें VXI है तो लगभग VXI का तो सारे लोग फीचर्स जानते ही हैं। जो नॉर्मल एक कार में फीचर्स चाहिए, AC, पावर स्टेयरिंग, AC, पावर विंडो, ये सब इसमें आपको मिल जाए। सर वर्किंग कंडीशन? ये बस ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि इस गाड़ी के कस्टमर अभी हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन इसको सिर्फ बैटरी चार्ज करके स्टार्ट करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेंशन नहीं दोस्तों, आइए और डील को करेक्ट कीजिए। 40,000 में आपको मिल जाएगी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मोबिलियो, होंडा की ये जो कार है ना दोस्तों, 7-सीटर कार है, बिल्ड क्वालिटी भी मस्त है। कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी? देखिए, होंडा टेक्नोलॉजी की अगर जहाँ तक हम बात करें तो इसकी टेक्नोलॉजी का तो कोई बात ही नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी की कार है। होंडा सिटी एक प्रीमियम कार जो आपको रोड में अक्सर हाँ देखने को मिलती है, जिसका सेडान लुक उससे बेहतर अभी तक सेडान लुक में किसी का आता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो होंडा मोबिलियो है, जैसे कि बहुत लोग 7-सीटर फैमिलियर, बहुत लोग जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर कुछ दबंग लोग होते हैं, वो लोग डस्टर और स्कॉर्पियो वगैरह चॉइस करते हैं, लेकिन फैमिलियर लोग जो एजुकेटेड होते हैं उन लोगों को भी 7-सीटर का नीड होता है, लेकिन वो डस्टर और स्कॉर्पियो में नहीं जाना चाहते हैं, वो इस टाइप के कार में आना चाहते हैं। ये आपको जो है कि मैंने सेडान में जो है MUV सेगमेंट हो जाता है। ये होंडा का मोबिलियो है, 2015 मॉडल, पेट्रोल वर्जन है, बहुत ही बेहतरीन कार है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी है। ओनली 56,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है और आप इसको देख सकते हैं, इसमें ना कहीं स्क्रैच है ना डेंट है और वेल कंडीशन है और सुपर मिंट कंडीशन में है दोस्तों। ये फर्स्ट पार्टी? ये फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है। कब की है ये? 2015 मॉडल है, 2015 की। इसमें एयरबैग वगैरह मिल जाते हैं? इसमें एयरबैग नहीं आएगा क्योंकि ये SMT वर्जन है, लेकिन इसमें आपको AC मिलेगा, पावर स्टेयरिंग मिलेगा और बैक AC भी मिलेगा, मतलब बैक रूफ AC, माने पीछे भी AC का कॉलम बना हुआ है, जैसे कि आप देखते होंगे अर्टिका में या फिर इनोवा वगैरह में, तो इसमें भी वो सुविधा है। 2015 की मोबिलियो बिना खर्च वाली फर्स्ट ओनर कितने में मिल जाएगी? ये मात्र हम 380 में दे देंगे। 3,80,000 में दोस्तों ले जाइए। 1 रुपये का भी खर्चा? एकदम, 1 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, 1 साल के बाद सिर्फ मोबिल और मोबिल फिल्टर चेंज कर दीजिए। तो बताइए दोस्तों, गारंटी आपको मिल रही है और माइलेज कितना दे देती है? ये डीजल है? ये देखिए, कंपनी क्लेम करती है 17 का, लेकिन हमारा जो टेस्टेड है इसमें अप्रॉक्स ये 14-15 का आपको सिटी में देगी। तो 15-16 का माइलेज मिल जाएगा आपको और ये है 7-सीटर। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विड। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों क्विड, और क्विड के बारे में आप जानते ही हैं। अगर आप ऑल्टो नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्विड उठा लीजिए, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। ये आपको रेनॉल्ट का क्विड है, 2019 मॉडल है और ये 800 cc की गाड़ी है
और इस गाड़ी में भी आपको गाड़ी का कंडीशन देख के लग रहा होगा कि इसमें आपको एक रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मात्र जो है 26,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ये गाड़ी जो है बहुत बेहतरीन, और इसका इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक आपको कहीं भी कोई एक रुपया का खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये गाड़ी की कीमत जो है सिर्फ 2,55,000 है। 2,55,000 में दोस्तों ले जाइए बिना खर्च वाली क्विड, और लेटेस्ट मॉडल है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्टो VXI। ये ऑल्टो का तो खैर कहना ही नहीं है, चूँकि हमारे झारखंड में खासकर मारुति महिंद्रा और हुंडई का रिसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए चॉइस ज़्यादा इन गाड़ियों पे है। ये भी गाड़ी जो है आपको आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने मार्केटिंग पर्पज से, सीखने के पर्पज से, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, चूँकि ये थोड़ा लो मॉडल की कार है, तो मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा अपने कस्टमर को कि आप लॉन्ग टूर करें इसे, क्योंकि जो ओल्ड मॉडल की जो कार होती है तो उसमें थोड़ा सा डर बना रहता है कि कहीं सेफ्टी भी नहीं, रास्ते में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, जो ऊँचे मॉडल की कार है, जैसे मेरे पास ये 19 मॉडल की मैंने जैसे बताया, इसको आप कहीं भी लेके जाएँ, मोबिलियो को कहीं भी लेके जाएँ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैं कस्टमर को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देना चाहता हूं, इसलिए कि वो एक बार हमारे पास आएंगे तो वो चार लोग को बताएंगे, और मेरा ये मार्केटिंग का फंडा है। ठीक है, तो ये जो ऑल्टो है कब की है? ये 2007 मॉडल है, और अंदर से और बाहर से थोड़ा सा लुक वाइज में उतना अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन चढ़ने के लिए और 5,000 अगर इसमें इन्वेस्ट करके थोड़ा सा लुक में, अंदर से हर तरह से मजबूत है, बाहर से थोड़ा सा स्क्रेच और डेंट है, तो उसको अगर 5,000-6,000 लगा के अगर इसको मेंटेन कर ले तो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो कितने में मिल जाएगी हमारे पास ये? 62,000। 62,000 में दोस्तों ऑल्टो मिल जाएगी आपको। क्या क्या मिल जाता है इसमें? इसमें आपको जो है कि VXI है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें AC है, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है, और यही बेसिक फीचर्स होते हैं कार में। बिल्कुल, तो सब कुछ अच्छे वेल कंडीशन में? बिल्कुल। तो टेंशन है दोस्तों, आइए और डील को क्रैक कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोर्ड की फीगो, जो काफ़ी चलती है, लेकिन फोर्ड बंद हो गई, ये लेना सही रहेगा? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। तो आपके जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी आपको फॉलो करने वाले बंदे हैं, आप धरती की कोई भी गाड़ी मेरे से परचेज कीजिए, मैं एक दिन में पार्ट्स उनको अवेलेबल करा के दूंगा। वाह दोस्तों, वाह। एक दिन का समय मेरे को चाहिए, मैं उनको कोई भी पार्ट्स की ज़रूरत होगी, जैसे फोर्ड का अभी जैसे फोर्ड की रूमिंग हुई कि कंपनी बंद हो गई, लेकिन आप देखते होंगे कि सेवरले को भी बंद हुए काफ़ी अरसा हो गया, यहाँ पे शोरूम नहीं है, लेकिन सेवरले की गाड़ी दिख रही है, दैट मीन्स उनको सेल्स और सर्विस मिल रही है। तो इसको भी अभी कंपनी ने बॉन्डेड किया है, 15 साल उनको सर्विस देना होगा, और 15 साल के दरमियान में भी अगर कंपनी सर्विस नहीं दे रही है तो मैं गारंटी लेता हूं कस्टमर को मैं सर्विस दूंगा, इसका कोई भी पार्ट्स का अगर जरूरत होगा तो एक दिन में मैं पार्ट्स अवेलेबल करके दूंगा। तो टेंशन है दोस्तों, फोर्ड की जो कार है एकदम मस्त कार होती है, तो बिना डरे ले जाइए। फोर्ड फीगो है, TDSCI। ये टॉप मॉडल है क्या? ये टॉप मॉडल है, ये डीजल वर्जन में है। और दूसरी बात है कि जैसे कि आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर, हैचबैक कार में ऑल्टो आ गया, क्विड आ गया, योन आ गया, और भी सेंट्रो आ गया, लेकिन हैचबैक कार में आप फोर्ड को एक बार यूज़ करके देखिए, फीगो को यूज़ करके देखिए, इसमें जो मज़ा है ना ट्रैवलिंग करने में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, मैं एकदम कंप्लीट इससे सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरी बात कि अगर सेफ्टी ऑफ व्यू से अगर आप कोई अगर फैमिली के लिए ही कार लेते हैं, अक्सर हाँ लोग फैमिली के लिए कार लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि अकेले तो रोज़ ड्राइव नहीं करेंगे, फैमिली को तो लेकर चलेंगे, तो सेफ्टी ऑफ व्यू से अगर आप कोई कार परचेज़ करते हैं तो इसको आप लीजिए। मैं दावा करता हूं कि इसमें आपकी जान को एकदम 100% सुरक्षा है। इसमें एयरबैग वगैरह सब कुछ मिल जाता है? इसमें एयरबैग है, AC है, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो सब वर्जन है। और दूसरी बात, ये डीजल वर्जन है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 26 का एवरेज देता है। 26 का माइलेज देती है? 26 का एवरेज देता है, ये मेरा टेस्टेड है। वाह, तो कितने में हमारे व्यूअर्स को मिल जाएगी? ये मात्र 2,00,000 रुपये में हम दे देंगे। 13 मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी, फोर्ड फीगो, एयरबैग, सेफ्टी फीचर्स सब कुछ आपको मिल जाता है, और मात्र आपको 2,00,000 में मिल रही है। तो डील को करेक्ट कीजिए, फाइनेंस हो जाएगी? फाइनेंस का फैसिलिटी तो मेरे पास, मैंने पहले भी आपको बताया। टेंशन नहीं है दोस्तों फाइनेंस का, एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, फाइनेंस हो जाएगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ईओन, मस्त सिल्वर कलर में चमचमाती हुई। देखिए, जहाँ तक डिफरेंट कार्स की बात है, तो हुंडई की कुछ खास बातें हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा।
हुंडई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मतलब टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मज़ेदार है। इसमें सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि यून अगर आप लेते हैं तो 20 का एवरेज है, लेकिन और भी जो गाड़ियां हैं जैसे i10 को छोड़ के i20 का पेट्रोल में जाएंगे तो एवरेज मार्किंग कम है, लेकिन रोड में जब आप इसको ट्रैवल लेके जर्नी करते हैं तो एकदम रोड को पकड़ के चलती है, चिपक के चलती है और इसमें आप जब जर्नी करेंगे तो आपको हरासमेंट फील नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खासियत है इस गाड़ी में। और दूसरी बात है कि इसका टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा है इस गाड़ी में। आप जैसा कि मैंने पहले भी आपको चर्चा किया सेफ्टी, तो सेफ्टी इसमें भी आपको भरपूर मिलेगी। क्या क्या मिल जाएंगे? ये सेफ्टी ऑब्वियस है, इसका जो मैंने बिल्ड क्वालिटी जो है, चदरा जो होता है वो मारुति के अपेक्षा इसका बहुत बेहतर होता है। तो बिल्ड क्वालिटी इसका सॉलिड है और एयरबैग वगैरह नहीं मिलती इसमें? नहीं, इसमें आपको जो है कि इसमें एयरबैग मिलेगा। ये मैग्ना है, 2018 मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है और ये डॉक्टर यूज कार है। डॉक्टर की कार है, फर्स्ट ओनर कार। कितने में मिल जाएगी ये? 2,45,000 में मैं दे दूंगा। 2,45,000 में दोस्तों फर्स्ट ओनर कार डॉक्टर की ले जाइए और हमारा वीडियो दिखाएंगे तो थोड़ा प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ न्यू मॉडल की सेंटो रेड कलर में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों न्यू मॉडल की। अगर आप जाएंगे शोरूम हुंडई की तो आपको यही सेंटो मिलेगा। ये एक्चुअली न्यू वाली सेंटो है। तो नए में कितने में आ जाती है अभी ये? ये अप्रॉक्स मेरे ख्याल से ऑन रोड 6 लाख पड़ेगा। तो ऑन रोड 6 लाख में आपको ये मिल जाती है। और ये सेंटो का कौन सा मॉडल है? तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन 14 या 15 होगा, 14 या 15 दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। ये इसका माइलेज के हिसाब से भी और फीचर्स के हिसाब से सेंट्रो तो खैर सभी कोई जानते हैं, सेंट्रो का कहना ही नहीं, इसको बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बहुत बेहतरीन कार है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पेट्रोल वर्जन है और कोई गाड़ी में खर्च नहीं है, न्यू मॉडल है, 2015-16 की है। कितने में हमारे व्यूअर्स को मिल जाएगी ये गाड़ी? हम आपको जो है कि मात्र 2,60,000 में दे देंगे। 2,60,000 में दोस्तों न्यू मॉडल की सेंटो चमचमाती हुई ले जाइए। 1 रुपये का भी खर्च? कोई खर्च नहीं दोस्तों। अब दिखाता हूँ आपको डस्टर दबंग कार, और इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है। RXL है, तो टॉप मॉडल है क्या? नहीं, ये एक्चुअली RXZ टॉप मॉडल होता है रेनॉल्ट का, ये RXL है। इसके इससे भी एक नीचे आता है RXT और ये है RXL, ठीक है। तो RXL में आपको सेकंड टॉप इसमें आपको AC, पावर स्टेयरिंग, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो भी बेसिक फीचर्स हैं, एयरबैग मिल जाएगा। और ये गाड़ी जो है कि फर्स्ट ओनर है, 2016 मॉडल की कार है, जो बहुत कस्टमर है। ये फर्स्ट ओनर कार है, 2016 मॉडल की कार है। और दूसरी बात है कि जो कस्टमर को ग्राउंड क्लियरेंस का रिक्वायरमेंट होता है जी, जैसे अभी तक ने आपने देखा कि 165 और 170 का ग्राउंड क्लियरेंस वाली मैंने गाड़ी दिखाई, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। ये रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी आप ले जाके आप चला सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट SUV है दोस्तों, बाकी तो आप जानते ही हैं, सेकंड टॉप मॉडल है। अभी नए में कितने में आ रही है ये? अप्रॉक्स जो है कि आपको 10 लाख पड़ ही जाएगा। 10 लाख में नई आ रही है, कितने में आप हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं ये गाड़ी? हम जो है 4,70,000 में दे देंगे। 4,70,000 में दोस्तों आपको ये मिल जाती है डस्टर, 1 रुपये का भी खर्च? कोई खर्च नहीं है। माइलेज कितना निकालती है ये डीजल में? ये इसका माइलेज जो है कि अप्रॉक्स आपको 16-17 का हमको मिला है। 16-17 का आपको माइलेज मिल जाता है दोस्तों, खर्च नहीं है, फाइनेंस हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा नीचे कमेंट से बताइए, और भी यहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। एक चीज जाते जाते मैं विकास जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने मेरा यार्ड देखा है, ये एक यार्ड है जी, जी। सेक्टर एरिया में मेरा और भी यार्ड है, वहाँ भी कार लगी हुई है, वहाँ और भी बाइक लगी हुई है। तो समय का अभाव आपको भी है, मेरे को भी है, और नेक्स्ट टर्म में आपको दूसरा यार्ड का विजिट कराऊंगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय।